यह आपके जागने का समय आ गया है, क्योंकि बात यहाँ तक आ चुकी है कि अब वो हमारे ज्योतिर्लिंगों पर हरी चादर चढ़ाएंगे। हम लोगों की तो मांगे कि ऐसे लोगों को चौराहे पर खड़ा करके फांसी की सजा दी जाए कि दोबारा ऐसी हरकत कोई दूसरा करने की हिमाकत न करे। महाराष्ट्र के नासिक में त्रिम्बकेश्वर मंदिर में मुस्लिम समुदाय के समूह का घुसकर शिवलिंग पर चादर चढ़ाने की कोशिश करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि शिवलिंग पर चादर चढ़ाने की कोशिश को सुरक्षा गार्ड ने विफल कर दिया था। वहीं इस घटना को गंभीरता से लेते हुए सीएम एकनाथ शिंदे ने SIT जांच के आदेश दे दिए हैं। आरोप है कि 10 से 12 की संख्या में मुस्लिम युवकों ने मंदिर में घुसने का प्रयास किया था। सिक्योरिटी गार्ड ने अंदर जाने से मना किया तो मंदिर के दूसरे दरवाजे की दीवार के ऊपर चढ़कर मंदिर के अंदर चले गए। इन्होंने त्र्यंबकेश्वर की भिंडी के ऊपर हरा कपड़ा चढ़ाने और फूलों की चादर चढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने इन्हें रोक लिया। वहीं इस घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल पैदा हो गया है। त्र्यंबकेश्वर ये देखते हुए ऐसा लगता है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग टूल किट के आधार पर पूरे देश को दंगे की आग में झोंकने की साजिश। मामले में गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने FIR दर्ज कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इस पूरे मामले में जांच के लिए SIT स्थापित कर IG लेवल के अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। मंदिर न्यास के एक अधिकारी ने बताया कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर के सुरक्षा कर्मियों ने रात में लोगों के एक समूह के मंदिर में प्रवेश करने के प्रयास को विफल कर दिया। मंदिर प्रबंधन के अनुसार केवल हिंदुओं को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति है। ये मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। घटना के बाद मंदिर न्यास ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। फडणवीस के एक कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अतिरिक्त महानिदेशक रैंक का एक अधिकारी SIT का प्रमुख होगा। बयान में कहा गया कि SIT न केवल इस घटना की जांच करेगी बल्कि इसी तरह की एक अन्य घटना की भी जांच करेगी जो पिछले साल उसी मंदिर में हुई थी। ये राज्य में सभी जाति पाति के लोग रहते हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी शासन की है, प्रशासन की है, लेकिन उसमें नागरिक जो है उन्होंने भी सहयोग करने की आवश्यकता है। ऐसा आह्वान मैंने कल किया हुआ है और कहीं पर भी जातीय तनाव ना निर्माण हो, इसलिए सभी समाज के लोगों ने आगे बढ़कर सहयोग करने की आवश्यकता है। कानून व्यवस्था बनाए, शांतता बनाए रखने की आवश्यकता।